रहे हैं, पाकिस्तान की पहली बिल्डिंग है जिसमें आपको स्काई विलाज मिल रहे हैं, डुप्लेक्सेस मिल रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा 1, 2 और 3 फ्लोर के अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं। टोटल 19th फ्लोर की बिल्डिंग है विद 7-स्टार अमेनिटीज, जिसमें आपका पूल, जिम, सवाना, सलोन, आपकी लाइब्रेरी, जैसे कि लाइब्रेरी का रिवाइवल हम लोग लेकर आ रहे हैं, लाइब्रेरीज खत्म होती जा रही है मार्केट से, ठीक है, लोग इस चीज को भूलते जा रहे हैं, तो हम उसका रिवाइवल लेकर आ रहे हैं। किड्स पूल है, स्क्वाश एरिया है, बिलियर्ड है, इसमें लाइक अंडर वन रूफ यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। सो बुकिंग आप लोग किसी भी अपार्टमेंट की कर सकते हैं 1, 2, 3 बेड की सिर्फ 10% से, ठीक है, और ये प्री लॉन्चेस प्राइसेस हैं। इसका जो इंक्रीज है यू गाइस विल सी लाइक विद इन लाइक 2-3 मंथ्स के आप लोगों को पता चलेगा कि इंक्रीज कितना अच्छा इसका आ रहा है और आप लोगों ने कितने पैसे अपने सेव कर लिए। इट्स टोटली अप टू यू, आपको किस में इन्वेस्ट करना है। जब भी आपने इन्वेस्ट करना हो आप नदीम साहब को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप H&S में आयशा अक्रम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर अलायंस बाय ईच अदर। थैंक यू आयशा, बहुत शुक्रिया। आयशा मुझे एक क्वेश्चन आपसे करना है, सॉरी आपको मैंने दोबारा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक सवाल बड़ा अहम मैंने करना है। अच्छा मुझे बताइए कि लोगों के जहनों में है कि ये किनाल का घर अच्छा है, अपार्टमेंट जो है वो महंगा पड़ता है हमें, okay. ये मुझे इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला, आप थोड़ा ब्रीफ कीजिए प्लीज। सर मैं ये अक्सर लोग हमसे भी सवाल करते हैं। अब आप देखिए कि अगर आप 1-4 करोड़ का भी घर ले लेते हैं, 4.5 करोड़ का भी घर ले लेते हैं, ठीक है, उस घर में आपकी लायबिलिटी कितनी ज्यादा है, आज के दौर में आप सिक्योर कितने हैं अपने घर में, आपको घर को रन करने के लिए आपकी मदर फादर का घर पे रहना बेहद जरूरी है, एटलीस्ट आपकी मदर का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपकी एक पूरी फोर्स होगी जिसे वो रन कर रही होंगी, आपके गार्ड, आपके मेड्स, ठीक है, आपके और बहुत सारे लोग फ्रीक्वेंटली लॉन्ड्री वाले जो आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप जॉब करने वाले हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो इन चीजों को कैसे मैनेज करेंगे? आप काम वालों के ऊपर अपने बच्चों को तो नहीं छोड़ सकते, आप जितने भी कैमराज लगा लें अल्टीमेटली दे आर अलोन एट देयर प्लेस, ठीक है। तो अपार्टमेंट में आप 4.5 करोड़ का अपार्टमेंट बाय करें, उसका प्राइस आने वाले टाइम में उस घर से ज्यादा है जो आपने बाय किया हुआ है। आप वहां पर अगर रेंटल इनकम भी ले रहे हैं तो एक कनाल के घर से आप कितना रेंट एक पोर्शन से ले लेंगे, 70,000-60,000, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आप 3 बेड के अपार्टमेंट में 2.75 लाख तक अर्न कर सकते हैं, 1 बेड के अपार्टमेंट से 1,00,000-1,25 तक अर्न कर सकते हैं, 2 बेड में आप 2 लाख तक अर्न कर सकते हैं। इट डिपेंड्स, ये सारी चीजें वेरी करती हैं, ठीक है। फिर आपको 7-स्टार अमेनिटीज मिल रही हैं अंडर वन रूफ, आपका ऊपर अपार्टमेंट है, नीचे आपको जिम मिल रहा है, पूल मिल रहा है, आपको सलोन मिल रहा है, लाइब्रेरी मिल रही है, आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ा, आपके बच्चे सिक्योर हैं, सिक्योरिटी है। और मैं समझता हूँ और लोकेशन में इसकी कहता हूँ कि इट्स अ वंडरफुल लोकेशन, बताए कि आप देखें कि रिंग रोड फेज 5 के अंदर आप बैठे हुए हैं, इट्स नॉट अ फेज 5, इट्स अ प्राइवेटली ओन लैंड बाय H&S, बट इट इज इन अ फेज 5 M block, और ये 10 कनाल है ऑलमोस्ट प्लेस से, और 10 कनाल का एरिया है विच इज 1.25 एकर, और बिल्डिंग का जो है इट्स 19-21 स्टोरी इंक्लूडिंग ट्रिप्लेक्सेस, विलाज एंड डुप्लेक्सेस को अगर हम शामिल कर लें तो सब, मेरा नहीं ख्याल कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट इस वक्त लाहौर में, लेकिन थैंक टू H&S जो इस विजन को लेकर आया, और जाहिर है कि दुबई की कंपनी है, उनको बड़ा एक एक्सपोजर है इस कंपनी को, तो बड़ी रिलायबल कंपनी है H&S, तो इस वजह से भी उनका एक बड़ा एक्सपोजर है वर्ल्ड वाइड। थैंक यू वेरी मच शाजी, वंडर ऑफ थैंक्स। रिव्यूज आपने देखा, मिस आयशा ने हमारे साथ बड़ी अच्छी ब्रीफिंग की इस प्रोजेक्ट के हवाले से, और शाजी ने बहुत अच्छी ब्रीफिंग की। रिव्यूज मैं आपको बताता चलूं कि H&S की बहुत सारे मजीद प्रोजेक्ट्स भी हैं, दुबई बेस्ड ये कंपनी है और इंटरनेशनल लेवल पे जो काम जो है वो हो रहा है। मजीद ऐसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम आपके साथ लाइनअप रहेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह आपका हामी नासिर हो।